अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े पुनर्गठन में लगी है। नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के साथ छह प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव, योगेश दीक्षित पदभार संभालेंगे। बृजलाल खाबरी के साथ ही छह प्रांतीय अध्यक्षों के नामों की घोषणा 1 अक्टूबर को की गई थी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी आज से मिशन यूपी पर निकलेंगे। पदभार ग्रहण करने के लिए बृजलाल खाबरी जालौन से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। देखिए स्वागत सत्कार की जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत किया गया है। जालौन में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आज से यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अपना पदभार संभालेंगे, आज से अपनी कमान संभालेंगे। बृजलाल खाबरी का जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया गया है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है ये हम सभी जानते हैं। इन सबके बीच में जिम्मेदारी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष आज अपना पदभार संभालेंगे। एक बड़े भव्य आयोजन की तैयारी है। हमारे साथ में नकुल दुबे जी हैं जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नकुल जी, आज बड़े समारोह की तैयारी, एक लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय से पद खाली चल रहे थे और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस। जी 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 जी, मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो झूठ बनाम सच की लड़ाई है, इसमें हम लोग सच के साथ रहते हुए उसको कामयाबी की राह पर ले जाने में पूरा जी जान लगा देंगे और आने वाले समय में आपको एक बार पुनः वही स्वरूप हिंदुस्तान का दिखाई पड़ेगा जो आपने आज से 2014 के पहले देखा। कांग्रेस के सामने इस समय अगर देखें तो चुनौतियां बड़ी हैं। आगे पहले निकाय चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थिति किसी से छुपी नहीं। तो इन चुनौतियों के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी पार्टी? देखिए, जहाँ तक चुनावों का सवाल है तो चुनाव तो एक अनवरत प्रक्रिया है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से उनका बस चले तो सिर्फ चुनाव ही कराएं और 5 किलो राशन पहुंचाएं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस चुनाव भी लड़ती है, सत्ता सरकार भी बनाती है, सरकार में लोगों को आगे बढ़ाती है, लेकिन उसका मोटिव जो मेन रहता है वो देश को आगे बढ़ाना होता है, देश की संपत्तियों को बेचना नहीं होता है। देश में नए नए तरीके से नई नई संपत्तियां बना करके वास्तव में जो सच्चा विश्व गुरु है उस ओर देश को ले जा रही थी। अगर आप 2014 के पहले देखें, 2014 के बाद से भाषण तो बहुत लंबे लंबे हुए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और रोज आप देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इवेंट्स देखिए आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।